हेलो इंजीनियर्स, दिस इज प्रशांति। तो आज आपके लिए है एक स्मार्ट डिस्प्ले, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट है ये डिस्प्ले। ये एक्चुअली स्टोन कंपनी ने ये प्रोवाइड किया है, तो बहुत ही अच्छा एक डिस्प्ले है। इस पर अलग से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस पर डाल सकते हैं, अलग से इस पर डाल सकते हैं। उसके बाद वही सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करके अलग से माइक्रो कंट्रोलर लगा के आप इसको किसी भी काम कर सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड डोर लॉक मान लीजिए। उसके बाद कोई भी रोबोट को मूविंग करने के लिए डिस्प्ले चाहिए, वो डिस्प्ले बना सकते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से अपने खुद के जो प्रोग्रामिंग आप इस पे डालेंगे, वही आप अपने मर्जी से इस पे डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक डिस्प्ले है। तो इस पर हम लोग किस प्रकार से अलग अलग जो कि सॉफ्टवेयर इसमें डाल सकते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। This video is sponsored by StoneITech.com. Stone company provide करते हैं स्मार्ट डिस्प्ले। इस पर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा इंडस्ट्रियल टाइप, एडवांस टाइप, सिविल टाइप, और इस पर कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले का साइज सिलेक्ट करके सिर्फ ऑर्डर कर दीजिए। तो अभी जो ये डिस्प्ले देख रहे हैं, डिस्प्ले का बैक सेट है ये। तो ये स्टोन कंपनी का है। तो ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये एक स्मार्ट डिस्प्ले है। मतलब इसके खुद का ही एक प्रोसेसर है इसमें, जो कि आपके जो प्रोग्रामिंग इस पर डालेंगे वो अपने हिसाब से इस पर डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्शन करके हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग हम लोग इस पर कर सकते हैं। चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्विच के मदद से लाइट ऑन ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सेम डिस्प्ले पे हम लोग पासवर्ड डोर लॉक भी बना सकते हैं। इस तरह आपके खुद के हिसाब से किसी भी चीज़ को आप इस पर बना सकते हैं। तो इस पर जो कनेक्शन है, जो कि RX TX का जो कनेक्शन है, इस पर हम लोग आउटपुट करेंगे और प्रोग्रामिंग डालेंगे। इस USB पे हम लोग प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं, और जो कि जो प्रोग्रामिंग इस पर डालेंगे वही प्रोग्रामिंग को आउटपुट करने के लिए हम लोग RX TX को इस पर कनेक्शन करना होगा। तो स्टोन कंपनी इसके साथ वायर भी दे देता है जो कि कनेक्शन करने के लिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक जो कि दिखा रहा हूँ, जो कि एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, इसको कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए, ये स्टोन कंपनी का एक अपना खुद का माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो इस पर हमने 3 वायर लगा दिया, जो कि LED RGB LED जो है उसको कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे वही कनेक्शन हम लोग इसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा दिया, और अभी ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले 12 वोल्ट से ये कनेक्ट होता है। तो हम लोगों को 12 वोल्ट इस पर डालना होगा। तो 12 वोल्ट के लिए हम लोग इस प्रकार का जैक हम लोग इस पर डालेंगे। तो यहाँ पे 12 वोल्ट दे देंगे, और जो LED हमने कंट्रोल करना है वो LED भी स्टोन कंपनी में सेल कर रहा है, एक ही साथ इसको मिल रहा है, ठीक है। तो आप अगर डिस्प्ले को खरीदेंगे तो एक साथ सभी कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। और इसको हम लोग कनेक्शन करेंगे लाइट को। तो आप चाहे तो ज़्यादा लाइट भी आप कनेक्शन कर सकते हैं इस तरह। आप उसके बाद आप इस पर और एक लाइट कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जितना चाहे उतना लाइट आप इस पर कनेक्शन करके ग्लू कर सकते हैं। तो अभी इस पर वोल्टेज देंगे, देने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसका कनेक्शन क्या होता है। तो अभी देखिए, मैंने इस पर पावर दे दिया है। इस माइक्रो कंट्रोलर के जरिए इस LED को हम लोग कंट्रोल करेंगे, वो भी टच की मदद से। ये जो प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है। सिर्फ आप लोगों को जो स्विच है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको इस पर डालना होगा। डालने के बाद इसका स्विच का जो नाम है वही नाम हम लोग माइक्रो कंट्रोलर पे यूज करेंगे। करने के बाद ये काम करेगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, LED डेमो पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। तो LED डेमो पे हम लोग जब भी व्हाइट को जब भी ऑन करेंगे, तो देखिए व्हाइट हो रहा है LED, ठीक है। तो अभी इसको बंद करते हैं, बंद हो गया। अभी रेड करेंगे, रेड हो जाएगा। देखिए रेड भी हो गया है, रेड भी बंद करेंगे। ग्रीन, तो ग्रीन हो गया है। अभी ब्लू, अभी देखिए ब्लू हो गया है। तो अभी हम लोग ब्लिंकिंग भी, अलग अलग ब्लिंकिंग भी कर सकते हैं, या फिर जो लाइट है उसको हम लोग डिमर और अपर भी कर सकते हैं, इस तरह प्लस और माइनस देखे, ठीक है। तो मैं ब्लिंक कर रहा हूँ एक ब्लिंक। तो देखिए ये धीरे धीरे ग्लो हो रहा है, और धीरे धीरे कलर चेंज होकर दूसरे कलर पर जा रहे हैं। ये धीरे धीरे हो रहा है। ब्लिंक 2 पे क्लिक करेंगे तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। इस तरह अलग अलग ब्लिंकिंग पे अलग अलग स्टाइल आपको मिल जाएगा। तो ये जो डेमो है वो आप लोगों को इस डिस्प्ले के साथ ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट इस पे डालना है, वो किस प्रकार से डालते हैं अभी आप लोग दिखाएंगे अभी हम लोग।
तो चलिए दिखाते हैं ये किस प्रकार से अलग से प्रोग्रामिंग इस पे डालते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से एक एलईडी को हम लोग इस पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जला सकते हैं, अलग अलग कलर जला सकते हैं। लेकिन इसका सॉफ्टवेयर, पहले जो मैंने सॉफ्टवेयर दिखाया था पैट का, जो अलग से साउंड आते हैं, वो सॉफ्टवेयर एक है, और अभी जो आपने सॉफ्टवेयर देखा है वो अलग है। तो अलग अलग एक ही डिस्प्ले पे किस प्रकार से हम लोग डाल सकते हैं, तो अभी चलिए कंप्यूटर पे आपके जाके देखते हैं किस प्रकार से इस पर सॉफ्टवेयर हम लोग आसानी से डाल सकते हैं। लेकिन इसको डालने के लिए कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसका सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बहुत ही इजी है एलटीएम डिजाइनर, तो इस पर आप जाके आसानी से कोई भी पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी पीसीबी आप ऑर्डर कर सकते हैं डिजाइन, अपना खुद का डिजाइन करके और करके आसानी से आपका खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो स्टोन डिजाइनर जो एक ऐप है उसको हम लोगों को डाउनलोड करना होगा स्टोन वेबसाइट से, या फिर आप लोगों को अगर डिस्प्ले खरीदेंगे तो डिस्प्ले के साथ आप लोगों को एक पेन ड्राइव पे ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग प्रोजेक्ट पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आ गया है, कहाँ पे सेव करना है वो आपके ऊपर है। तो मैं सेव करूँगा, मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। उसके बाद इसका जो डिस्प्ले हम लोग खरीदेंगे उस डिस्प्ले का जो साइज है उसको हम लोगों को इस पर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो डिस्प्ले खरीदा है उसका साइज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 800x16600, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको टाइप करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के बाद ये न्यू प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट होके यहाँ पे डिस्प्ले का जो यहाँ पे व्हाइट कलर आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले का साइज आ गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पर बटन फिट करेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए बटन को हम लोग फिट करेंगे तो ऊपर में देखिए बटन लिखा रहे, उसके बाद यहाँ पे चेक बटन लिखा रहे, उसके बाद अलग अलग कोई भी स्विच यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं बटन को क्लिक करूँगा, बटन पे क्लिक करके उसको यहाँ पे खींच के यहाँ पे छोड़ देना होगा। तो यहाँ पे बटन का साइज का एक आ गया है, तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इस पर ले सकते हैं, इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसे कि मैं इतना बड़ा करूंगा बटन का, ठीक है। तो बटन को हम लोग नाम इस पर कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मुझे नाम नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे साइड पे आ जाइए, यहाँ पे बटन टेक्स्ट आ रहा है इसको डिलीट कर देंगे, करने के पर ये बटन डिलीट हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बटन वन लिखा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रोग्रामिंग पे बटन वन ही लिखना होगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। बटन वन लिख के कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो वही आर्डिनो पे बटन वन लिख के प्रोग्रामिंग करने के बाद यही ये जो बटन है इसी बटन पे क्लिक करने पर काम करेगा, दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं दूसरे और एक बटन ले रहा हूँ तो इसका नाम देखिए चेंज हो गया है, बटन यहाँ पे बटन ही ठीक है लेकिन नाम चेंज हो गया, बटन टू आ गया है ऑटोमेटिक, ठीक है। और इसका बटन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, नाम कर दिया। अभी देखिए फर्स्ट बटन जो है उसको हम लोगों को कलर चेंज करना है, कोई भी कलर आप नीचे आएंगे कलर दे सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर यहाँ पे टेक्स्ट जो है इसका जो नाम होगा नाम का कलर यहाँ पे है, तो मुझे नाम तो मैंने डिलीट कर दिया है। बैकग्राउंड कलर, अभी बैकग्राउंड कलर ये क्या है, ये देखिए व्हाइट है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसा इस तरह कलर दूंगा, तो देखिए कलर ये चेंज हो गया है बटन। और क्लिक करने के बाद अलग से कौन कलर आएगा, तो अभी देखिए क्लिक करने के बाद जो कलर आएगा इसको हम लोग यहाँ पे आके प्रेस्ड, यहाँ पे प्रेस लिखा रहा है, प्रेस्ड देंगे तो ये बटन ये कलर हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्लू आ रहा है तो आप क्लिक करने के बाद इसका कलर रेड होना चाहिए, इस तरह कलर होना चाहिए, तो ये इस तरह कलर हो जाएगा क्लिक करने के बाद। तो आप इस पर कोई भी चीज़ इस पर अलग अलग से इसका सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रन करेंगे, तो देखिए मैं अभी इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप रन कर सकते हैं, सिमुलेशन यहाँ पे सिमुलेटेड क्लिक करने पर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने पर आपको दिखाई देगा ये क्लिक हो रहा है, लेकिन इस पर नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने प्रेस ही इस पर दे दिया है। तो यहाँ पे प्रेस को हम लोगों को नॉर्मल करना होगा, करने के बाद ये आ गया है, अभी हम लोग सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। तो सिमुलेटर पे क्लिक करने के बाद ये आ गया है, क्लिक करने के बाद देखिए ये प्रेस करने पर ये दूसरा कलर आ रहा है, मतलब ये बटन हो गया है।
इस प्रकार से आप कोई भी चीज आप इस पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्लाइड बटन हम लोगों को करना है, यहाँ पे खींच के लाएंगे, इसका साइज आप कोई भी साइज कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। करके आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज कोई भी चीज आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका नाम देखिए आ गया है स्विच वन, तो स्विच वन करके हम लोग को आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करना होगा। तो अभी इसको अगर रन करेंगे, फिर से मैं रन करता हूँ, तो सिमुलेटेड में कर दिया अभी, तो देखिए इसको अगर क्लिक करेंगे इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी बटन क्लिक हो रहा है, ठीक है। अलग से बटन आप इस पर प्रेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग को इसको डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे जो कि स्लाइडर है, यहाँ पे आके देखिए कंपाइल आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद जो प्रोग्राम आएगा वही होगा आपका मेन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को हम लोग किस प्रकार से अपने डिस्प्ले पे डाल सकते हैं वो अभी चलिए दिखाते हैं। तो अभी देखिए ये जो जो प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग अभी कंप्लीट हो गया है। मैंने इस पर नया तरीके से मैंने इसको बनाया है, आप लोगों को जैसे दिखाया वैसे फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी स्टाइल में आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बना के इस पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह स्किन हमने इस पर इंस्टॉल कर दिया है, तो अभी हम लोग इसको डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग यूएसबी लगा दिया है, यहाँ पे एक यूएसबी लगाया है, यहाँ पे एक यूएसबी लगाया है, ठीक है। लगाने के बाद इस पर 12 वोल्ट का इनपुट दे दिया है डिस्प्ले पर। तो अभी देने पर ये डिस्प्ले अभी इस पर जो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड की तरह इस पर ओपन हो जाएगा। होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी इस प्रोग्रामिंग को जो कि कंपाइल करेंगे, सभी प्रोग्रामिंग को एक साथ कंपाइल कर देंगे। तो यहाँ पे कंपाइल लिखा रहा है, कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए ये कंपाइल होके यहाँ पे आ गया है। इसको सिर्फ हम लोगों को कॉपी करना है, तो कॉपी अभी करेंगे। करने के बाद अभी देखिए इसको डालना कैसे है, तो माय कंप्यूटर पे जाएंगे, यहाँ पे ऐप लिखा आ रहा है, जब भी ये डिस्प्ले ऑन होगा ऐप लिखा आ जाएगा इस पे, ठीक है। तो अभी ऐप को ओपन कर दिया, डिफॉल्ट को ओपन कर देंगे, और उसके बाद जो यहाँ पे RAW रॉ लिखा है इसको ओपन करेंगे। उसके बाद UI इसमें लिखा रहे, तो UI को ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो भी पहला प्रोग्राम था वो प्रोग्राम को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अभी डिलीट कर दिया। अभी हम लोग जो प्रोग्रामिंग अभी कॉपी कर दिया है उसी प्रोग्रामिंग को हम लोग इस पर पेस्ट करेंगे। तो अभी इस पर पेस्ट हो गया है, देखिए ये कम्प्लीटली पेस्ट होके अभी इसको डायरेक्ट हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम लोग सिर्फ इस डिस्प्ले पर एक रिसेट बटन है, इसको क्लिक करेंगे और रिसेट होके ये डिस्प्ले फिर से स्टार्ट हो जाएगा। होने के बाद जो प्रोग्राम मैंने इस पे इंस्टॉल किया है वही प्रोग्राम इस पे आ जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले के पीछे जो सीमोस बैटरी हमने इस पे लगाया है, इसके साथ ही एक रिसेट बटन है, इसको जब भी क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले रिस्टार्ट होके, देखिए ये रिस्टार्ट होके जो सॉफ्टवेयर मैंने अभी बनाया है वही आ गया है इस पे, देखा। तो अभी इस पर क्लिक करके हम लोग इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैंने जिस प्रकार से बनाया है बटन 1, बटन 2, बटन 3, तो इस प्रकार से बटन जो है बटन 1, बटन 2, इस प्रकार से वही नाम को जो नाम इस पे डाल दिया था बटन 1, वही बटन 1 को लेके हम लोगों को जो आर्डिनो का प्रोग्रामिंग है उसको करना है। तो जब भी बटन 1 को क्लिक करेंगे तो बटन 1 जो कि प्रोग्रामिंग करके इस पर आउटपुट कर देगा। तो बटन 1 पे जो भी बीट हम लोग डालेंगे वही बीट इस पर आउटपुट होगा। तो उसी तरह हम लोग आर्डिनो का प्रोग्रामिंग करेंगे, करने के बाद जब भी इस पर कनेक्शन करेंगे तो ये काम करेगा। तो अभी आपको दिखाते हैं इसका कनेक्शन करके किस तरह ये साउंड रहते हैं। तो अभी देखिए मैंने सभी कनेक्शन कर दिया है, तो यहाँ से जो डाटा इन आया है जो इस पर लगा दिया, और इस पर हमने 12 वोल्ट इनपुट कर दिया, और RX TX को हमने RX TX पे कनेक्शन कर दिया आर्डिनो पे, ठीक है। और आर्डिनो से जो कि 11 नंबर का पिन जो है वो आके एक ट्रांजिस्टर के बेस पे लगा दिया, और ट्रांजिस्टर के जरिए वोल्टेज को बढ़ा के स्पीकर पे कनेक्शन कर दिया। तो जब भी हम लोग इस पर टच करेंगे तो इस पर साउंड आएगा, ठीक है। तो अभी इसको ऑन करते हैं, तो अभी ऑन हो गया है, तो स्टोन कंपनी का जो लोगो आ रहा है इसमें, तो अभी देखिए ये ऑन हो गया है, ठीक है, और प्रोग्राम भी इसमें कनेक्शन हो गया है। अभी हम लोग इस पर टच करेंगे, टच करने के बाद ये कंटिन्यूसली ये काम करेगा। तो अभी देखिए, देखा आपने, जिस पर भी दबा रहे हैं वही अलग अलग साउंड इस पर आ रहे हैं। साउंड को आप चेंज भी कर सकते हैं,
अलग अलग साउंड आप इस पे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर से अलग अलग डिजाइन का हम लोग कोई भी चीज बना सकते हैं इस स्मार्ट डिस्प्ले से। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर हम लोग डिस्प्ले पे डाल सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।